हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी के द्वारा दी जाने वाली कक्षा 5 पठन अभियान हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 35 हल करेंगे, जो कि दिनांक 28 फरवरी 2022 की है। बच्चों, ये 7वें सप्ताह की वर्कशीट है और इसकी थीम है दोस्ती का फर्ज। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आप सब स्कूल आकर बहुत खुश होंगे। स्कूल आने का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं दोस्त। हमारे दोस्त हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हमें सच्चे मन से दोस्ती निभानी चाहिए। आइए हम दो दोस्तों की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कहा गया है कि स्कूल होने का एक बहुत बड़ा कारण दोस्त भी होते हैं। तो यहाँ पर सच्ची दोस्ती के बारे में एक कहानी दी गई है। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। चुलबुल बंदर और जंबो हाथी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे सब कुछ साथ साथ करते हैं, जैसे गपशप करना, खाना खाना, घूमना आदि। आप पिक्चर में देख सकते हैं, चुलबुल बंदर और जंबो हाथी दिखाए गए हैं। लेकिन एक चीज़ है जो वे साथ साथ नहीं करते हैं। चुलबुल को नहाना पसंद नहीं है। एक दिन चुलबुल और जंबो जंगल में घूम रहे थे। उन्होंने एक तालाब के पास आम के पेड़ देखे। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक चीज़ है जो चुलबुल को पसंद नहीं है, उसे नहाना पसंद नहीं है। एक दिन वे जंगल में घूम रहे थे तो उन्होंने एक तालाब के पास आम के पेड़ देखे। जंबो नहाने के लिए तालाब में गया, लेकिन चुलबुल आम के पेड़ पर चढ़ गया। जंबो के दिमाग में योजना थी। उसने अपनी सूंड में पानी भरकर चुलबुल पर बौछार डाल दी। चुलबुल हैरान और गुस्से में था, लेकिन जल्द ही वह ताज़ा और अच्छा महसूस करने लगा। वह मुस्कुराया और जंबो के लिए कुछ पके आम तोड़ लाया। तो बच्चों, आप भी जब नहाते हैं तो फ्रेश फील करते हैं, ताज़ा महसूस करते हैं ना आप भी। तो इसी प्रकार चुलबुल ने भी ताज़ा और अच्छा महसूस किया और वह मुस्कुराया और जंबो के लिए पके हुए आम तोड़ लाया। तो कैसी लगी कहानी आपको। चलिए कहानी पढ़ने के बाद अब नीचे दिए गए प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न 1, प्रतिदिन नहाना एक अच्छी आदत है। कोरोना महामारी की वजह से हम बहुत समय तक घर पर ही थे। इस दौरान हमने कुछ नई आदतें अपना ली हैं। इनमें से कौन सी आदत है जिसे आप सुधारना चाहते हैं और कैसे, अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर पूछा गया है कि आप अपनी कौन सी ऐसी आदत है जिसे सुधारना चाहते हैं। तो सभी बच्चे अपनी उस आदत के बारे में यहाँ लिखेंगे जिसे वे सुधारना चाहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं अपनी सुबह देर तक सोने की आदत को सुधारना चाहता हूँ। हम शाम को जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठ सकते हैं। ऐसा करने से हमारी दिनचर्या में सुधार होगा। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। कहानी में जंबो और चुलबुल की दोस्ती का एक किस्सा दिया गया है। उनके बारे में कल्पना कीजिए और उनकी दोस्ती की कोई और मज़ेदार घटना अपनी कक्षा में सुनाइए। तो यहाँ पर सभी बच्चों को जंबो और चुलबुल की दोस्ती का जो किस्सा दिया गया है उसके बारे में कल्पना करनी है और उनकी दोस्ती की कोई और मज़ेदार घटना अपनी कक्षा में सुनानी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने उनकी दोस्ती की एक मज़ेदार घटना यहाँ लिखी है, जो कि इस प्रकार है। एक बार चुलबुल और जंबो जंगल में खेल रहे थे। दोनों खेलते खेलते कीचड़ में गिर जाते हैं, जिससे दोनों गंदे हो जाते हैं। जंबो चुलबुल से नदी में नहाने के लिए कहता है, लेकिन चुलबुल को नहाने से डर लगता है, इसलिए वह नहाने से मना कर देता है। लेकिन जंबो कहता है कि तुम मुझे केवल देखते रहना, नहाना मत। इस पर चुलबुल सहमत हो जाता है और दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं। जंबो सोचता है कि आज मैं किसी भी तरीके से चुलबुल को भी नहलाऊंगा। तभी जंबो के दिमाग में एक विचार आता है, यदि मैं नदी में ज़ोर से छलांग लगाता हूं, तो चुलबुल पर भी नदी का पानी आ जाएगा। जंबो ज़ोर से नदी में कूदता है, जिससे पानी उछलकर चुलबुल के ऊपर आ जाता है और चुलबुल भी नहा लेता है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कल्पना के अनुसार एक मज़ेदार घटना जंबो और चुलबुल के बारे में लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कहा गया है, अपने दोस्त की एक तस्वीर बनाइए, चिपकाइए।
आपके जीवन में उसकी महत्ता बताने के लिए एक प्यारा सा संदेश भी लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने दोस्त की तस्वीर बनानी है या चिपकानी है और उसकी इम्पोर्टेंस, महत्ता बताने के लिए एक प्यारा सा संदेश भी लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर एक काल्पनिक पिक्चर अपने दोस्त की लगा दी है और प्यारा सा संदेश लिखा है कि सच्चा दोस्त वही होता है जो जरूरत पड़ने पर हमारी मदद करता है। तो इसी प्रकार आप भी अपने दोस्त की पिक्चर चिपकाएंगे या बनाएंगे और एक प्यारा सा संदेश लिखेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।